हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। टाइटल सबको पता चल चुका है कि ये जो अद्भुत सा एक मेकअप लुक है वो कहाँ से मैंने लिया है। जी हाँ, मैंने जो इंस्टाग्राम में एक बटरफ्लाई वाला फिल्टर है, मुझे बहुत पसंद है वो वाला फिल्टर। मैं सोच रही थी कि उसी लुक को एक दिन मैं रिक्रिएट करूंगी, तो यस, मुझे काफी अच्छा लगा ये लुक क्रिएट करने में। ये जो बटरफ्लाई है वो मैंने, चलिए वीडियो आगे बढ़ाते हैं, वहां पर ही आप लोग देख लेंगे मैंने कैसे ये लुक को अचीव किया है। मेरा फेस में मेकअप थोड़ा बहुत है क्योंकि इससे पहले मैंने एक और मेकअप शूट किया है। इस वीडियो में जो मेन है वो आई मेकअप है और जो आपने देखा है बटरफ्लाई वाला वही मेन है, तो इसलिए मैंने अपना मेकअप फुल नहीं क्लियर किया है क्योंकि बेस मेकअप जो है वो तो ऑलरेडी किया हुआ है, तो उसको करने का कोई सेंस नहीं है फिर से। तो यस, पहले मैं स्टार्ट करती हूँ अपना आई मेकअप, तो इसके लिए मैं मोबाइल को करूंगी थोड़ा सा क्लोज। मैंने इससे पहले जो शूट किया है वहाँ पे आई मेकअप किया था, तो उसको एकदम रिमूव कर लिया है, तो मुझे अपना आईज को थोड़ा सा कंसीलर लगा के सेट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैं यूज कर रही हूँ मैबेलिन का फिट मी कंसीलर। हाँ, एक बात बोल देती हूँ, मुझे मैं और मैं इसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाता है, तो एक्सक्यूज मी। तो मैं अभी लगा रही हूँ कंसीलर, सेट कर रही हूँ ये डैम्प ब्यूटी ब्लेंडर से। मैं थोड़ा अंडर आई में भी लगा रही हूँ। आईज को मैं थोड़ा सा पाउडर से सेट कर रही हूँ ताकि कंसीलर क्रीज ना हो जाए। कंसीलर लगाने के बाद पाउडर से स्किन को सेट करना जरूरी है, मतलब जहाँ जहाँ हम लोग कंसीलर लगा रहे हैं। तो मैं थोड़ा सा फेस में भी लगा रही हूँ, थोड़ा सा स्वेटी स्वेटी हो रहा है क्योंकि मैं अभी बात कर रही हूँ आप लोगों के साथ, तो फैन बंद है और गर्मी बहुत ज़्यादा है। सो मेरा फेस कंप्लीट हो चुका है, थोड़ा बहुत जो टचअप करना था। सॉरी, मैं अभी बात करते करते वीडियो नहीं कर सकती क्योंकि अभी दोपहर का टाइम है, अभी 2 बज चुका है और बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही है, तो मैं नेक्स्ट जो पार्ट है वो मैं वॉइस ओवर ही दे दूंगी क्योंकि मुझे फैन चलाना है अभी। मैं यहाँ पे वेट एंड वाइल्ड का रोज इन द ईयर पैलेट में से ये पिंक कलर को लेकर ट्रांजिशन कलर में अप्लाई कर रही हूँ। मैंने यहाँ पे एक पेंसिल ब्रश लिया है ताकि कलर को अच्छी तरह से डिपॉजिट कर सकूं। ये ब्लेंडिंग ब्रश से इसको मैं अच्छी तरह से ब्लेंड कर रही हूँ। नेक्स्ट मेरे पास ये एक कलरफुल आई शेडो है, इसको मैंने एक लोकल शॉप से खरीदा है। इसमें जो रेड कलर का आई शेडो है उसको मैं आईज के इनर पोर्शन में लगा रही हूँ और उसको बहुत ही धीरे धीरे से ब्लेंड भी कर रही हूँ। उसी पैलेट में ये एक स्काई ब्लू कलर का आई शेडो है जिसको मैं आई लिड के आउटर पोर्शन में अप्लाई कर रही हूँ और उसको पिंक आई शेडो के साथ ब्लेंड कर रही हूँ। अब लोअर वाटर लाइन में वही रेड कलर का आई शेडो अप्लाई कर रही हूँ ताकि आईज बहुत ज़्यादा कलरफुल लगे क्योंकि मुझे यहाँ पे एक कलरफुल सा लुक चाहिए।
लास्ट में मस्कारा लगा के आई मेकअप को कंप्लीट कर दिया है। नेक्स्ट हाइलाइटर को आईज के इनर पार्ट में, चिक्स में और नोज में अप्लाई कर रही हूँ। उसके बाद मैं ब्लू हेवन का ब्लशर लेके अपने चीक्स पे लगा रही हूँ। कमिंग टू द मोस्ट इंटरेस्टिंग पार्ट, जिसे करने में मुझे बहुत मजा आया। यहाँ पे मैंने चीक्स पे ड्रॉ कर रही हूँ बटरफ्लाई, जिसके आउटर लाइन को मैंने ब्लैक आईलाइनर से किया है और उसको फिल कर रही हूँ कलरफुल आईलाइनर से, जैसे कि ब्लू आईलाइनर, ग्रीन आईलाइनर और हाँ पिंक कलर का जो बटरफ्लाई है वो मैंने लिपस्टिक से किया है। लास्ट में मैंने मेबलिन का एक न्यूट कलर का लिपस्टिक लगा के मेरा पूरा लुक को कंप्लीट कर दिया। और हाँ, लिप्स के अंदर से थोड़ा सा डीप कलर का एक लिपस्टिक लगा के एक ओम्ब्रे लुक क्रिएट करने की कोशिश की है। तो कैसा रहा मेरा आज का ये मेकअप वीडियो, होपफुली पसंद आया होगा। अगर पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और हाँ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।